हुए बाबा कुमारी। इस क्षण में मेरे बाहर निकालने कोई हल्की बात नहीं होती है, तभी भी श्रीलंका टीम को जीत के लिए 3 विकेट की दर करा रहे और मलयपुर टीम को जीतने के लिए 19 रनों की दर करा रहे। यहाँ से 14 ओवर की समाप्ति के बाद मलयपुर टीम का स्कोर जा पहुंचा है 122 रन 7 विकेट के नुकसान पर बचे हुए। बने तो यार हैं, बचे हुए 30 गेंदों में माफी चाहिए 36 गेंदों में 19 रनों की दर करा रहे हैं अभी भी मलयपुर टीम को जीतने के लिए। ठीक उसके विपरीत श्रीलंका टीम को जीत के लिए मात्र 3 विकेट दूर 3 अगर अच्छी गेंद फेंकी जाए तो कहीं ना कहीं मलयपुर की टीम में बैक फुट पर आ सकती है। फिलहाल गेंदबाजी का जिम्मा संभाले गए नीतीश कुमार, देखने वाली बात है क्या कुछ कर पाते हैं नीतीश। नीतीश कुमार कप्तान उन पर भरोसा जताए हैं, ओवर जी विकेट करेंगे अमरजीत जी के लिए जो कि मलयपुर टीम के काफी खूंखार बैटिंग के रूप में जाने जाते हैं अमरजीत जी, और बॉलिंग मारने तैयार है नीतीश कुमार। क्या कुछ कर पाते हैं नीतीश, देखने वाली बात होगी। नीतीश कुमार बॉलिंग रन पर तैयार, जब तक की गेंदबाज आए गेंदबाजी करने के लिए। तब तक मैं बता दूं कल का जो मैच खेला जाएगा इस ग्रीन पार्क स्टेडियम में कल ठीक 11 बजे से श्रीयावरियारपुर बनाम मथुरापुर के बीच खेला जाएगा। अतः आप तमाम दर्शकों से मेरा गुजारिश है कि आप हजारों के हजार संख्या में आवे और इस मैच को देखकर क्या आनंद उठावे। नीतीश कुमार तैयार अपने बॉलिंग मार पर, बल्लेबाज के लिए मैं फील्ड प्लेसमेंट बता दूं, एक विकेट कीपर के अलावा एक थोड़ा गली में रखा गया है, एक स्लिप एक शॉट और शॉट ऑफ फिलहाल नीतीश कुमार हमसे दूर रहते हैं। इस मैच या गेंद काफी अच्छी गेंद थी, बल्लेबाज ने सोचा समझा पड़ता हो और वहीं पर दबा पड़ती है। ठीक इसी प्रकार की गेंदबाजी करने की दरकार यहाँ पर वाईसीसी के तमाम गेंदबाजों को, तब जाकर के आप कहीं मैच में वापसी कर सकते हैं। नीतीश कुमार अपने टीम के बेहद ही होनहार गेंदबाज हैं, उनको यह जिम्मा संभालना होगा। फिलहाल उसके विपक्ष ठीक विपरीत अमरजीत जी काफी खूंखार इस बीच गेंद खींचे थे, खेल भर दिया है और गेंद मैंने इनके बाहर चार रन लिए शानदार चौका। चार रनों के साथ मणिपुर मात्र 15 रन पीछे है अपने क्वार्टर फाइनल मैच खेलने के लिए। तो फिलहाल एक बार फिर से नीतीश कुमार चले, इसमें अच्छी गेंद है, चार रन का रन सेट करा है मिड विकेट के ऊपर से शानदार छह रनों के लिए। खराब गेंद और मिड विकेट के ऊपर जो दर्शक है उन्होंने शानदार कैच किया, हालांकि फील्डर को कैच करने चाहते हैं तो दर्शक से तो हम ही कैच कर लेते, क्या नहीं करते। मात्र 9 रन दूर है मलयपुर की टीम। फुल टॉस की गेंद गेंद बाउंड्री के बाहर जा रही है, उसके नीचे फील्डर तेरा चट्टा की गेंद देने के खाते तब तक मौका था दो माफ कीजिएगा किसी भी रन बनने क्या साथ प्रयास करते हुए शुरू करके दर्शक दल से आग्रह है जब तक मैच का फैसला नहीं हो जाए ग्राउंड में नहीं प्रवेश करेंगे। आप तमाम दर्शकों से मेरा आग्रह है कि जब तक मैच का फैसला नहीं आ गया तब तक ग्राउंड में प्रवेश नहीं करेंगे, ये एमसीसी कमेटी की ओर से आदेश है। फिलहाल नीतीश कुमार इस बीच आ गया, काफी अच्छी गेंद थी और वहां पर बल्लेबाज ने सोचा समझा परखा दबा भर दिए बगैर किसी रन रन के 9 रन देर अभी भी मलयपुर की टीम 132 रनों पर जा पहुंची है मलयपुर की टीम। एक बार फिर से नीतीश कुमार चले हमसे दे जाते हुए या बहुत काफी अच्छी बात है और वहां
और वहां पर का शानदार ड्राइव और गेंद में बॉडी लेकर बाहर चार ओवर के लिए। मात्र 5 रनों के दरकरार बल्लेपुर को क्वार्टर फाइनल खेलने के लिए सिर्फ एक मैक्सिमम की जरूरत है। चाहे लॉन्ग ऑफ पर मार दे, लॉन्ग ऑन पर मार दे, मिड विकेट मिड ओवर कहीं भी खाली है, आप मैक्सिमम एक छक्का मारे तो आपके टीम निश्चित रूप से क्वार्टर फाइनल खेलने के लिए तैयार है। ठीक उसके विपरीत 3 विकेट की दरकरार यहाँ पर है जितने भी दर्शक है ना, कृपया ग्राउंड के बीचों बीच होकर के प्रवेश नहीं करेंगे। बोल 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 15 ओवर समाप्त हो चुके हैं, मात्र 5 रन की दरकार है यहाँ से जीतने के लिए। मल्लोपुर की टीम को 30 गेंदों में 5 रनों की दरकरार, फिर से भरोसा देता है बल्ली कुमार के ऊपर जो कि पिछला ओवर काफी शानदार गेंदबाजी किए थे, मेडल विकेट लिए थे पिछले ओवर में। एक बार फिर से बल्ली चले हमसे दूर जाते हुए, इस बीच यह गेंद काफी अच्छी गेंद थी, बल्लेबाज ने सोचा समझा प्रकार वहीं पर दबा कर दिए बगैर किसी रन के। स्कोर अभी भी रुका हुआ 136 रन, 7 विकेट के नुकसान पर मणिपुर की टीम एक बार फिर से बल्लू अपने बॉलिंग पार पे तैयार। बल्लू हमसे दूर जाते हुए मिथिलेश कुमार के लिए गेंद काफी अच्छी गेंद थी, बल्लेबाज ने सोचा समझा पर खार वहीं पर दबा भर दिए बगैर किसी रन के। स्कोर अभी भी रुका हुआ मणिपुर टीम का 136 रन, 7 विकेट के नुकसान पर। दर्शक जन, आपसे मैं बार बार अनुरोध कर रहा हूँ, कृपया बंद के अंदर न जाए। एक बार फिर से बल्ले चले से बीच लिया गया, काफी अच्छी गेंद थी और वहां पर बल्लेबाज ने सेवा समझा और वहां पर दबाव दिए बगैर किसी रन के। इस ओवर के 3 गेंदे फेंकी जा चुकी है, कोई भी रन नहीं बने हैं। जब तक मैं बता दूं कल का जो मैच खेला जाएगा सीरिया वरियर को तमाम मथुरापुर खगड़िया के बीच मैच खेला जाएगा। एक बार फिर से बल्लू चले हमसे दूर जाते हुए इस बीच आ गए, लेकिन लकड़ भर के अगेंदर ये बोले इनके बाहर 4 रनों के लिए, तो मैच यहां पर ड्रॉ होता हुआ टाई होता हुआ मात्र 1 रन दूर है मल्लेपुर की टीम जीत के लिए। जैसा धन ग्राउंड के अंदर प्रवेश नहीं करेंगे जब तक कि 1 रन नहीं बन जाए। एमसीसी कार्यकर्ता और व्हाइट गेंद निश्चित रूप से यहाँ से जीत हासिल करते हुए मल्लेपुर की टीम 3 विकेट से मैच जीत चुकी है और अपना जगह क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर चुकी है। और इस तरह से मल्लेपुर की टीम 3 विकेट से इस मैच को जीत कर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर चुकी है। दोनों टीम के कैप्टन से अनुरोध है कि आप हमारे कमेंट्री बॉक्स से निकलने का प्रयास करेंगे और हमारे तमाम दर्शकों को बताएंगे इस ग्रीन पार्क स्टेडियम में आपको खेल कर कैसा लगा। फिलहाल मणिपुर की टीम एगो 3 विकेट से इस मैच को जीत कर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर चुकी है और कल का मैच चिड़िया बरियारपुर बनाम मथुरापुर खगड़िया के बीच खेला जाएगा।